नौकरी के नाम पर बड़ी ठगी, बड़ा फ्रॉड, और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कई लोगों को हिरासत में जरूर ले लिया है हरियाणा के अलग अलग जिलों से। जी हाँ, हरियाणा के अलग अलग जिलों से किस प्रकार से भंडाफोड़ जरूर हो रहा है। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। इस विषय में युवा क्या कहते हैं, सुनिए। रोहित नाम है, मोखरा से बिलोंग करूंगा, मोखरा से रोहतक तक है। अरे भाई, अब मैं रूम पर तो आया हूँ, क्योंकि पता है इधर बच्चों के साथ गलत हो रहा है। 3-3 रुपये सैकड़ा में ब्याज ठाक लिया रे बालक। अरे ने पहला तो बताया था, देखो मैं भी नुआ था, मैं आर्मी तैयारी करता नुआ था, अगर मेरे तीनों बताई थी 15,000 रुपये सैलरी है भाई है। अरे क्या कह रहे हैं, अरे पाछा के बताई 3 दिन ऐसा माइंड वॉश करा, ऐसा माइंड वॉश, बालक ना करा फोन कर सकता, 8-8, 9-9 घंटे स्टूला बैठेगा, ठीक है। ऐसा माइंड वॉश कर दिया, 50,000 रुपया अपनी किडनी बेच के बालक लैस का, ऐसा माइंड वॉश है। अर्ज किसी भाई का सको, अर तो ट्रेनिंग ला के देख लो 3 दिन की। किडनी बेची आपने? मैं किडनी बेची भाई, मेरा बढ़िया बहुत समय बताऊं, मेरा 50,000 की कोई दिक्कत नहीं है, पर है ना जो गरीब बालक मरे हैं 3-3 रुपये सैकड़ा बालक ठेगा लिया है ब्याज। आपने काम किया इस कंपनी में? हाँ, मेरे मरना अभी 2 महीने यार, 2 महीने मेरी ज्वाइनिंग भी है। अरे पहला नुका है 14,060 मिलेंगे, 11,000 रुपये तो 50,000 रुपये जमा करवाओ ना अगला के, और तो 38,000 रुपये इधर शॉपिंग हो है, और 11,000 रुपये कैश दे दे हैं, और 3,000 रुपये नुका अकाउंट में आओगे, पहला नुका 14,000 मिलेंगे थमने। ऐसा काम करे भाई, बालक सैकड़ा बठाठा ब्याज ले रहे हैं, गरा बाज गए भाई, रोते रोते बालक मेरा आ गए, मैंने आया था। अरे भाई मैं बताऊं, मैं खुद खर्चा भी करा, उन बालका में भी करा भाई, उन दी गरा जान के भी बाड़ा दिया मैंने, वे रो भाई मेरा आ गए। वो कहते कि आप लोग फ्रॉड हो। फ्रॉड कौन कहे फ्रॉड भाई, माइंड वॉश करके ये तालिबान यही डाल माइंड वॉश करना रहे, बालक कुछ भी कर सके भाई। बेरोजगारी को लेके बड़े बड़े सपने दिखा गए, मैं जो 1,00,000 रुपये से कोई कंपनी का ओनर बता दे दो। जो कमरे के अंदर जो क्लासेस दे रहे हैं वो किस प्रकार की, किस टाइप की क्लासेस है, कि कमरे बंद हैं? इनविटेशन दो, इनविटेशन करो, इनविटेशन फेसबुक पर, नाइस नाइस वीडियो, नाइस लुक है। वो पूछा क्या करा भाई, कंपनी में काम करूं, 15,000 रुपये तनख्वाह है, इसमें 15,000 रुपये वो है काम है, 15,000 रुपये पड़ जाए, आराम 10-16-17 पड़ जाए, इस तरीके का बालक ने बुलाओ आड़ा के माइंड वॉश करते हैं उसका। इसमें जो मैच्योर है ना, डिग्री धारक है जो अच्छे, मैं कर रहा हूँ, मैं एमए कर रहा। अभी तक पूरी वीडियो में ये नहीं समझ आया कि यहाँ पर काम क्या होता है। यहाँ पर होता है बंदे जोड़ने का काम सीधा। कैसे? सीधा ऐसे पैसे बुलाओगे, पहले आ जाओ भाई, किसी भी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कितनी ट्रेनिंग देती है, 1 दिन की देती है, ज्यादा ज्यादा उसको समझ में आए तो करो ना करो, इधर 3 दिन फोन पर घरवालों से बात नहीं, फोन पर घरवालों से बात नहीं कर सकता बंदा। दूसरी हाँ, 50,000 रुपये लेंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग, अप्रूवल का होंगे, इंटरव्यू है तेरा, अप्रूवल, जो काम बताया है वो उस काम के बारे में पूछेंगे, पहला क्या करेंगे, चार पांच सवाल पूछ लेंगे, ठीक है जब उन्होंने ना भी तो रिजेक्शन डेमो करेंगे, अप्रूवल हमारा बढ़िया, अखियो रिजेक्शन होगा भाई है, फिर उसके 3-4 जना मिलाओगे, तू भी आ जा बात कर, इससे बात कर, फिर उसका रिजेक्शन पास कर देंगे, उसका मन हो जाएगी मैं रिजेक्ट हो गया था, मैं सेलेक्ट हो गया। और वो 50,000 रुपये घर क्या भाई, झूठ बोल के भी ले हुए हैं और अपने घर क्या दाप भी दे हुए हैं कि भाई टूम बेचो, चेक किमे करो, ब्याज बैठा रहे 3-3 सैकड़ा भाई, 50 जाकर पैसे मंगवाते हैं, घर जाकर पैसे मंगवाते हैं। अच्छा तो सर, लोकल जो लड़के लड़की है उन्हें क्यों नहीं, कोई नहीं लोकल, कोई नहीं, इधर यमुनानगर कोई इधर सेंटर में हो, लोकल को लेते नहीं यहाँ पर, लोकल अलाउड नहीं सेंटर के 20 किलोमीटर के एरिया में, लोकल वालों को नौकरी, लोकल का सिंपल, आपको क्या लगता है, लोकल होगा तो यहाँ पे ज्यादा इकट्ठी कर सकता, घर परिवार यार दोस्त रिलेटिव सभी को इकट्ठा कर सकता है। दूर से आएंगे, किराया भाड़ा लगेगा, पहली बात तो दूर से कोई आता नहीं, समझ रहे हो। दूसरी चीज, अपने आप जब बंदा इसमें ज्वाइनिंग करता है तो सारे रिश्तेदार सारे यार दोस्तों से बिगाड़ बैठता है, क्योंकि एक जगह टिकती नहीं, क्योंकि भिवानी बादरगढ़, क्योंकि वो बिगाड़ क्यों बैठता है, क्योंकि वो मना करते भी, ये चैन सिस्टम सीधा उसको लगता ही नहीं, क्योंकि माइंड में वो चीज चल रही है। दूसरा, बिगाड़ बैठता है तो कोई उसका साथ नहीं देता, सारा भाईचारा टूट जाता, सारे रिश्तेदारों से सच्चाई का काम भी नहीं बता सकते। आगे के लिए क्या चाहते हैं, क्या आगे के लिए अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आगे जी पुलिस बढ़िया कार्रवाई होगी। मैं बोलता हूँ, मेरे को झूठ बोलने के लिए, सभी को हम भी झूठ बोलने के लिए प्रेरित करते थे, मैंने तो कुछ कराया नहीं, बस वैसे ले चलो मैं तो आपके साथ हूँ, जाने के लिए रेडी, चलने के लिए रेडी हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, जो भी मुकदमा को है वैसा दर्ज कर सके, मैं अंदर जाने के लिए भी रेडी हूँ, ना मेरी कोई गलती नहीं है, वैसे पकड़ के बेसक ले जाओ, मैंने ना किसी के लाता मेरा माइक बार बार ना कीजिए, ऐसा नहीं आप मेरा माइक बार बार, तो वो मुझे ना बदतमीजी से बोलने लगे, मैंने कहा प्लीज मैम प्लीज माइक ना खींचिए आप मेरा, तो बस उसके बाद कहने लगी आप मुझे भी छेड़ रहे थे, मैंने कहा जब मैडम आप पर कोई आरोप लगने लगा तो आपने मुझे कहना शुरू कर दिया, एक आपने कहा कि मुझे हाथ मत लगाओ, वैसे ही आप पर मिल जाओ,
आप पर मेरे पे भी जाएंगे। ये तो यही वही है। अच्छा इतने सारे लड़कों में पुलिस प्रशासन, पहली बात तो लड़की पुलिस क्यों नहीं लेकर आया जब उन्हें पता है महिला डायल 112 एक घंटे तक लोगों को अपने हाथ से हटा रही है। क्या प्रशासन इतना वीक है कि उनके पास पुलिस नहीं है? और मैं तो मीडिया के साथ ही हूँ, मैं मीडिया वाला ही और लोगों तक ये बहुत बताना चाहूंगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि अपने अपना जो उनका टॉपिक है, जो मुद्दा गर्मा गर्म चल रहा है, वो भड़का रहे हैं। जी जी मैडम, भड़काने का काम चल रहा है और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा धमकी दे रहे हैं। ओनली मीडिया पे अटैक किया उन्होंने। देखिए हिरासत में लिया है, 5-6 लड़कों को लिया, अभी देख रहे हैं क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी देख रहे हैं मैडम क्या बात है, सर इनका भी धक्का मुक्की की गई है, जोर से धक्के दिए गए हैं। जितनी भी महिला पत्रकार थी, जितनी भी महिला पत्रकार यहाँ पे मौजूद थी, मनप्रीत मैम थे और एक और मैम हमारे साथ, सभी के साथ बदतमीजी की गई है। वसुंधरा मैडम के साथ भी धक्के मारे गए, अब शब्द यूज किए गए सभी के ऊपर, सभी मीडिया वालों पे आरोप लगाए गए हैं और हमारी वीडियो बना बना के आगे शेयर की जा रही है। वीडियो में ऐसा गलत तो कुछ नहीं था अगर शेयर की जाए तो? मैडम उसमें गालियां निकाली गई हैं हम मीडिया वालों को, जितने भी मीडिया वाले मौजूद हैं उसमें, चाहे HR71 चैनल है, चाहे हमारा यमुनानगर सिटी न्यूज है, IBN7 है, सभी चैनल वालों को गालियां निकाली गई हैं उसमें। डर था कि हम पोल खोलेंगे, बिल्कुल उनको डर है कहीं ना कहीं। गिरफ्तारी अब हो गई है सबको, गिरफ्तारी होगी पर वीडियो जब तक डिलीट नहीं होगी हम सभी पत्रकार कार्रवाई करवाएंगे, सभी पत्रकार कार्रवाई करवाएंगे। तो मीडिया नहीं आती, मीडिया सच्चाई भी दिखाने वाला। करनाल में भी इनका फर्जी वाला जो IBN24 सामने लेकर आया था और वहाँ से ऑफिस बता के यमुनानगर आ गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखो 1.5 साल हो गया जी, जो टीम बननी थी, जो पैसा आना था आ गया। अभी ज्यादा वहाँ पे, अभी हर तीसरे दिन वहाँ पे सेक्टर 4 चौकी के अंदर मेरे को बुलाया जाता था, क्योंकि अभी जो मेन एड है वो तो हो गया लेफ्ट एंड उसका MD का, बच गया कौन, फंस गए कौन हम। हमारे को बुलाया जाता था, कहीं पे कोई केस हो जाए, कहीं पे कुछ भी हो जाए, रिफंड वाले आए हुए हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी मखाजी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा भी छोटो, वो 2-4 बालक थे, बिल्कुल गऊ थे, उनका बनता भी था, इनका कर दो रिफंड, इनका ना। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या लगता है यहाँ पर इनका पर्दाफाश हुआ है, आप किसी और जगह जाएंगे? कोई और बिल्कुल मैम, 5-6 सेंटर है, 5-6 सेंटर है, कारोबार नहीं हुई तो 5-6 सेंटर है। और जो ब्रिजों को मोटिवेट किया गया ना, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल कुछ नहीं है, समझ रहे ना, वो मेरे से मिल ले, सच्चाई जान ले भाई क्या कुछ है सच्चा। मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, इनके जो 41 यहाँ पे हैं वो तो अच्छे हो गए, हम भी एकड़ नशेड़ी, पहले इनका मेरी फैमिली को पता है, मेरे यार दोस्तों को पता है, मेरे सबको पता है मैं कैसा लड़का हूँ, गरीबी देखी हुई है, मैं कोई गलत काम नहीं करते।